गाल पे क्या कोई तिल होगा? मेरी गाल पे तिल हो या ना इससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं देखिए, मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी मेहमान आते होंगे, पार्टी शुरू हो गई। मेरे गाल का तिल तुम्हारे भाई का बर्थडे मेहमान इतना नॉर्मली व्हाई डोंट यू टॉक? रोज डे चॉकलेट डे डीज डे वैलेंटाइन डे बढ़िया है। तो वैलेंटाइन डे डजंट मीन कि मैं जोकर्स को एंटरटेन कर। हिमांशु ने फोन करके बहुआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच ली एक बार कौन होगा कौन नहीं? अच्छे से जांच लूंगा मैं, आजकल पता ना चलता ना, आज कोई आवे बता रहे कुछ निकला कुछ नहीं? नहीं एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं बात हुक्का पकड़ा दे, हुक्का ले लो भैया, फोन बात करो। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बहुआ? मैं बहुआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है? नहीं नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। पापा कहाँ काम करे करे तू? मैं तो फिल्म में कहीं काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रही। एक सेकंड, फोन बात कर रहा, पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा, एक ही चक्कर जोड़ी कर रहा है। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही हूँ, फिर हो काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ ऐसे काम होगा अपने लायक, वैसे अपने लायक। ठीक है, आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, पैर भी सही है, वो भी सही है। वो नहीं नहीं नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई? वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी? हाँ देखी है, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा। भाई सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियाँ भी बढ़िया है ना? उंगली? हाँ उंगली भी है, कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी हाँ बेटी, बता के उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है, तेरी दो उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे दोबारा कहना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे, दो उंगली उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी चाहिए भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी तो देने टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आज गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना बता दे भाई? टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, डेयरी का दुकान है हमारे। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे हैं? क्या कर देंगे? तो तुमने कहा टेढ़ी उंगली चाहिए, टेढ़ी है मेरे, दे दे कि तुम्हारी टेढ़ी करवा दूंगा। फोन डाल नौकरी, पांच इसको लगा दिया फोन तूने रे भाई, गंदा बोल गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? प्रभाष पूछ रहे थे, रौनक भाई अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकता है? सुनिए क्या क्या बउआ ने। हेलो, कौन? लेडीज, आर यू लेडीज? लेडीज लेडी, आई एम लेडी। व्हाट अ कोएक्सीडेंट, आई मस्ट से दिस। कोएक्सीडेंट? मैं बउआ बोल रही हूँ, लेडीज। बउआ ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलने आया हूँ। अच्छा बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए? नाम पूछ लो उसका नाम। हाँ बेटी एक सेकंड, आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या पप्पी? लड़की का नाम क्या है? पप्पी बोल दी है, ये तुम नाम लेके बता दी हो कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में, तमीज में अच्छे से कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी। सॉलिड आदमी लेडीज? यस बउआ। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनीदर की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो शाहरुख खान थोड़ा रोमांटिक, शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया, शाहरुख का मारू? हाँ शाहरुख का। एक सेकंड ए पप्पी। यस बउआ। ये सत्तर मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पप्पी दे दो, पप्पी चली गई हो? पप्पी गई? गई यार, पप्पी नहीं रखे गई? तुम्हारे का ख्याल है। हेलो, अबे अबे ओ क्या ऐसे क्यों, अभी तक तो प्यार से समझा रही थी। अबे आवाज सुनिए अपनी, आवाज जैसे पता नहीं दो दांत आगे टूटे उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो
रेखा जी कह रही थी रौनक अक्सर लोग तिल से तेल निकालने का काम करते हैं, इसी पे क्या तुम बउआ बन के थोड़ी मस्ती कर सकते हो? ये सुनिए मैडम जी। हेलो हेलो लेडीज, बोल रहा हूँ, हाउ आर यू डूइंग नाउडेज? सॉरी आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। नो नो नो, डोंट थिंक इट इज रॉन्ग नंबर, बट आई एम द राइट पर्सन। बात करनी है तो साफ बोलो, डोंट इरिटेट मी। आई डोंट हैव दैट। दो मिनट चाहिए आपसे? हाँ दिए, दो मिनट बोलिए। अगर एक पर्सनल सवाल पूछू तो क्या जवाब मिल पाएगा? क्या? आप दिखती कैसी हैं? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लग रहा है आवाज से? लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है। मैं एकदम ऐश्वर्य राय दिखती हूँ, तुम कैसे लगते हो? मेरे बाद में विकिपीडिया पे पढ़ लो। अच्छा सुनिए, बाय एनी चांस आपके गाल पे का कोई तिल होगा? मेरे गाल पे तिल हो या ना, उससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं देखिए, मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी मेहमान आते होंगे, पार्टी शुरू हो गई। मेरे गाल का तिल, तुम्हारे भाई का बर्थडे, मेहमान, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? नॉर्मली व्हाई डोंट यू टॉक? रोज डे चॉकलेट डे डीज डे वैलेंटाइन डे। हाँ बढ़िया है, तो वैलेंटाइन डे डजंट मीन कि मैं जोकर्स को एंटरटेन करूं, बट एटलीस्ट यू कैन टॉक वेरी नॉर्मली, व्हाई सो मच लटके झटके इन योर आवाज इटसेल्फ? एक्सक्यूज मी, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, आई एम ओवर एक्टर। हां तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि तिल का तेल निकालते हैं ना, तो वो तेल निकलेगा तो पूरी वगैरह बनाने के लिए मेहमानों को बर्थडे पार्टी में। ओह कम ऑन गो, वंस अगेन ओवर एक्टिंग। तो अपने तिल का तेल निकाल लो, उससे अपने भाई की जन्मदिन पार्टी मना लो। नहीं मेरे पास तिल है, बट उसकी पोजीशनिंग गलत है। वहाँ का तेल गंदा निकलेगा लेडी। हेलो, डेयर टू कॉल मी अगेन? इतनी ज्योति पे ज्योति मारूंगी नहीं ढूंढ पाएगा मुंह में। अब आई ना देसी गर्ल, देसी। ओह माय गॉड, एंड में हंस रही है, मतलब थोड़ा फंस रही है। ओह काट दिया। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ बेटी नमस्ते जी। इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ? हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तुम मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ, फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं, फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया, सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा पैड कर लूंगा। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आंख भी टूट सकती हैं, फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं पैड करूँ। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? नहीं तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पर तकलीफ नहीं होगी? टूटने पर तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। एक मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। हेलो हेलो, देखिए नमस्ते भैया। भैया भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल जाइए वो भैया। हाँ जी, इनका कुछ तोड़वा दो। क्या तोड़वाओगे तुम? तुम बताओ अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा हूँ। फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या भाई, सोनू का फोन आया तो उन्होंने टॉपिक दिया कि सॉरी कि अगर कोई बात कहते कहते छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन हो सकता है। इसी बात पे बउआ बन के हमने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकल। अरे अंकल कौन भाई, शादी भी नहीं हुई। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करेंगे? थोड़ा मीटिंग में, जल्दी बात। मीटिंग में आपके अकाउंट संबंधित जरूरी जानकारी बताइए। क्या इंक्वायरी? आपका जो अकाउंट है 12 डिजिट का, उसमें से जो लास्ट 10 डिजिट है उसमें एक 2 आता है। 2 आता है? अच्छा जी, मैं पता नहीं था यार, तुमने बता दिया, बहुत बढ़िया करा। 15 मिनट पहले आपके अकाउंट से किसी ने 10,500 रुपए
क्या छींक आ गई? छींक आ गई साले, मैं क्या एक सेकंड मैं अब कह नहीं सकता, एक छींक आए तो रुक जाने चाहिए, अशुभ हो जाते। मैं अभी नहीं, साले मैं मीटिंग में बैठू, मैं रुका हूँ, जरूरी है, मेरी मीटिंग जरूरी है। सुनिए, आपका जो अकाउंट नंबर है आखिरी 10 डिजिट में एक बड़ी 2 आता है। अब 2 आता मुझे बता, 15 मिनट पहले। अब 15 मिनट पहले उधर फेस उधर कर। हेलो, अबे तू दवाई खा ले पहले जाके, फिर काम सर। 3 छींक आने के बाद ही बता सकते हैं, मर जा तू 3 छींक आने के बाद। मेरी बात, अगर 3 छींक एक साथ आई तो उसके बाद मैं पूरी बात बता दूंगा वडीना, मुझे रुकना पड़ेगा वडीना, आप शगुन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट मेरे को पता, 2 आता है भाई। एक मिनट, तो वो 10,000 रुपए 15 मिनट पहले किसी ने, अच्छे एक सेकंड, 2 चीख आ गई तेरी, ऐसे की तैसी 2 की छोड़ दू, तीसरी के बाद मैं बता दूंगा, तीसरी आई नहीं तेरे को साले। एक मिनट, हेलो, आगे तीसरी आगे जल्दी बता। सॉरी, तीसरी चिंक नहीं आई, वो उबासी में बदल गई। तेरे अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट में एक बार। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं, इसी बात पे बहुआ क्या कर सकता है। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकल, कौन बोल रहे हैं? जी बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, मेरा एक दोस्त है, हनी नाम है। अच्छा, वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी का मतलब चाहिए इसमें? यार एक से भले 2, तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किस मिला? जुनेजा जी, प्रीतो है। ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है भाई साहब? हेलो भाई, बोल बोल दो इसको मैं शादी वाली बात। हाँ बोल, फटाफट बोल यार, खत्म कर। एक सेकंड, तो मेरा दोस्त जो है हनी और आपकी जो लाडो है प्रीतो, तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बहुआ, फटाफट कर आना, बता जी को, इन दोनों का टाका भिड़वा। टाका भिड़, ये कौन है, इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथ ही है भाई साहब, हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे, कानों में जवा निकल जाएगी, तुम इससे बात कर, टाके भिड़ाऊंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों सुन, कैसे कैसे बोल दिया हमारी बच्ची को, टाका भिड़ाओ उसका। भाई बुढ़ा तो नहीं लगा क्या? एक सेकंड, जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गल करना चाह रहा है। अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ डिमांड मरवा रहे यार, मेरे को भी पीछे फंसा रहे हो। सॉरी एक सेकंड रुको, हन्नी तेरी कुछ डिमांड है, अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, अब 2 जोड़ो में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने, मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार? वापस से, हनी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आगे बोल रहे हनी। हाँ अब 2 जोड़ो में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली। हाँ जी, अब हम अपनी बात कह दे। नहीं वो कह रहे हैं घर, है पैसा, है गाड़ी। हाँ मैं बता दूँ मेरे पास क्या है। है गन, है सरिया, है आरी। आरी कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तू तो बोली मत, तू तो बोली मत, काट दिया वो। जुनेजा जी क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। भाई सुरभि जी ने फोन करके बहुआ से कहा कि शादी का लड्डू, शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी, ये क्यों नहीं होती? इसमें बहुआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या है, किससे बात करनी? आप ही से करनी है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए, इसी बात के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया एक बार फिर से बुला। बैरागी कौन? बैरागी बोल रहा हूं। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन सुन, जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, फालतू जिम्मेदारी। छोटा सा दिमाग मत खा, जल्दी जल्दी कर, इसने सहमति
दी जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया, लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था, टेबल कुर्सी का खर्चा कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती है कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ जी। किससे बात करनी है? सब बड़े लोग कहते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ सही बात है। हेलो। बोलो। तो सोच तो डाउ, सोचने दो, सोच के बोलूंगा ना। तो ऐसे करो, सोच ही लो फिर, तुम फोन रखो। नहीं एक मिनट। हेलो। हेलो यार, मैं सोच रहा था, फोन काट रहे अंकल। तू दिमाग क्यों कर रहा है? बाहर निकला हूँ काम से, तू सोच रहा है बात करनी, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं भी काम ही कर दे रहा हूँ, मैं क्या टाइम पास नहीं कर दे रहा हूँ। तू क्या कर रहा है, किससे बात करनी तेरे को बता। हेलो। अरे फिर चुप हो गया यार, तू पागल आदमी है क्या? अच्छा सोच के बोलना है ना यार। दोबारा तेरा फोन आना नहीं चाहिए इस नंबर पे। अच्छा भाई, अच्छा काट दिया। तू अभी तक सोच ही नहीं पाया होगा तू। हेलो, बोलेगा? हाँ सोच ही जाऊँ, सही कहा आपने, सोच के बोलूंगा। ये नया फोन पाए हो क्या कहीं से? नया फोन? ओ मेरा और फोन का रिश्ता, इनफैक्ट लोग कहते हैं मैं फोन में से ही पैदा हुआ हूँ। तू मुझे लग भी रहा है, तू फोन ही से पैदा हो भी सकता है तू। अरे एक मिनट रुको, फोन नया बोल दे, चार्ट मिस कॉल ओबामा का उठाया नहीं मैंने, बात कर। आपकी तरह इधर फोन आया ना ओबामा, तो बात की बात है साले, मैं जाऊंगा समझा। अबे भौंक, अभी भी सोच रहा है? हाँ अभी भी सोच ही रहा हूँ। पहले सोच रहा है कि सोच रहा है? सोच नहीं सो वो तो सचिन भाई सोचते हैं। अबे तेरे सचिन भाई? नहीं उनकी कुछ नहीं की। हेलो। हाँ। उनको बीच में मत लाए, टेढ़ा मेढ़ा मत लाए, समझा। अब तेरा तेरा फोन इधर आ गया ना, तो तू सोचने लायक भी नहीं बचेगा ना, तू सोचने लायक बचेगा, समझा। अबे समझा भाई, तेरे पैर छू रहा हूँ फोन से निकल के। नहीं प्लीज। हाँ, शर्मिंदा नहीं, आपने ऐसा नहीं, ऐसा लोग बोलते नहीं मुझे, इक्वली ऑपोजिट बोलते हैं आप, सज्जन लग रहे हैं। भाई गलती हो गई तो तेरा फोन उठा लिया, माफ कर दो। अरे नहीं सुनिए, ठीक है ना, अगली बार मैं फोन उठाने से पहले भी सोच लूंगा। ऐसा मत बोलिए बहुआ, बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, बहुआ बोल रही। अच्छा बोलिए। एक सर्वे के लिए फोन किया है। हाँ जी। आपके पास पेन होगा? है, पेन है। तो उससे मेरे को क्या फर्क, फोन पे से थोड़ी दोगे? तो पूछ क्यों रहा है? मैं ये कह रहा हूँ आपके घर क्या क्या सामान है उसकी हम लोग लिस्ट बना दे। अच्छा। दाल है? है। चावल है? चावल है। सब्जी? सब्जी है। अच्छा सूजी है? हाँ है। सूजी है? हाँ। फिर तो बहुत दर्द होता होगा यार, सूजी है? गलत बोल रहे, मैंने पूछा सूजी है तो आपको दर्द तो होता ही होगा। सूजी खाने वाली? ना आप ही ने बोला सूजी है। फोन क्यों? आप काट दे, फिर नहीं काटू। फोन करता रहेगा? सॉरी, सामान का लिस्ट। दूध है? दूध है। चीनी है? चीनी है। चीनी है, उसको पकड़ के रखना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। ठीक है। बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। ब्रेड है? ब्रेड? ब्रेड? ब्रेड नहीं है। अच्छा एक और सूजी है? तो था सूजी है। लेटने और बैठने में तकलीफ तो नहीं है? तेरी होगी थोड़े दिन बाद, देख दर्द घुस घुस के अंदर। आप ही ने बोला सूजी है साले, सूजी है, बोल क्या करेगा आदरी पूरी। हेलो। हेलो जी, मैं सुरभि से। हाँ। गाली किसको दे रहा था? वो ये लड़का वाला फोन कर रहा था। कौन लड़का दे रहा था? परेशानी? कौन लड़का? कोई परेशानी? पूछो ना, तमीज से बात कर, आधा बैलेंस चूस लूंगी। अबे पूरा चूसना है, चूसना है तो चुप रहो। सॉरी बोला ना? सॉरी बोला ना। आपके एक ऑफर निकला था इसलिए बताना था आपको। बताओ क्या ऑफर? अगर आप आज 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा आपको। अरे जल्दी बताओ, जो भी बताएगा, टाइम नहीं, जल्दी बताओ। हाँ 2 किलो सूजी मिलेगा। हेलो। सूजी दे रहे? मैं पूरी सुझा दूंगा तेरे साथ बैठ। इसको क्यों बोल रही थी सुडभी को? मैं बोलूंगा कि मुझे भी तो काट दिया फोन। हेलो, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अगली बार हलवा बनाए तो याद रखें कि सूजी हो। हेलो भाई, आरती जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक अगर हमारे देश को तेज और रफ्तार भरा देश बनना है तो इसमें रह रहे लोगों को भी तेजी लानी होगी अपने अंदर। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो नमस्ते अंकल।
हाँ भाई। बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए भाई? एक सेकेंड, आइए इस और एक बड़े मुकाबले में फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। हम मुकाबले की तह तक जाकर एक सेकंड रुकिए। हम देश को अगर तेज बनाने चाहते हैं तो तेजी से दौड़ने वाले लोग हमें तो तेज भाई बोल ले। एक सेकंड भाई साहब, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ। कहाँ का? लाइव न्यूज चल रही है, कहाँ का क्या सब बता दूंगा, लेकिन तेजी से दौड़ने वाले लोग चाहिए अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी एक खास मेहमान हिरण बेदी हमारे साथ है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाई साहब। कौन हिरण बेदी भाई? एक सेकंड, और जनता की तरफ से चर्चा करने के लिए भाई साहब। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? दीनदयाल बोल रहा हूँ। दीनदयाल? हाँ। एक सेकंड रुकिए, हिरण बेदी जी। नमस्ते भाई साहब। देश को तेजी से आगे बढ़ाना है जी भाई साहब। चर्चा में हमारे साथ एक नव युवक है, नाम दीनदयाल। तो भैया मैं किससे पूछ कर आप न्यूज में? न्यूज में आपको? हाँ। आप जनता हैं, आपका भी तो एक मत होता है, विश्वास होता है। हिरण जी हमारे साथ। हिरण जी बहुत तेज दौड़ती है जी भाई साहब। आपने टेम्पल रन का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। आप जनता की तरफ से बात कर रहे हैं? मेरे को क्यों दिया, किससे पूछा भाई? पूरा आपसे क्या पूछे अब आप? आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, घटाना है, परंपरा है। जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। मेरे साथ इस वक्त जिम्मेदारी। आपने टेम्पल रन का 10 लाख का स्कोर पाड़ दिया हिरण जी। भाई साहब रिकॉर्ड तो तोड़ने पड़े, रिकॉर्ड बनती जा। कैसे तोड़े आपने रिकॉर्ड? मेरे को ना जी कॉलेज में सांप सूंघ गया था। सांप सूंघ गया था? हाँ जी भाई साहब, मैं सूंघ गया था। कहाँ है आजकल? मालवीय नगर रह रही हूँ। आपने सांप? सांप तो आस्तीन में है ना भाई। आस्तीन में सांप बना दूंगा आस्तीन के। मेरे फूफा जी सब पेरे हैं, बीन डाल देंगे। बोलिए आपको कुछ पूछना है? ना भाई, तेज में पूछना है। क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना है, तू तेज दौड़ पाता कि नहीं दौड़ पाता? हाँ दौड़ लेता हूँ तेज। तेरा झंडा रहेगा ना, तेरा ऐसा भगाऊंगा। फिर से जनता को इस मुकाबले में हम ना जनता रिपोर्टर शामिल करेंगे। हेलो मैडम, ये एक लड़का है पीसीओ पे खड़ा है। पीसीओ पे? हाँ जी, वो बात करना चाह रहा है। आप जरा बात करिए, कैसे तो बात कर रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? H E L L O। कौन बोल रहे हैं आप? I A M। कौन बोल रहे हैं? B A U W A B O L L I Y A H U N। बुआ। B A U W A। अरे आप जो भी बोल रहे हैं आप मेरे को ठीक ठीक बताइए, आपको क्या बात करनी है? स्पेलिंग से क्यों बोल रहे हैं? A D E। अरे यस, अजय अजय क्या चाहिए? अरे मैडम वो स्पेलिंग में ही बात करते करिए ना, आप बात करिए। अरे यार तू कौन है, ये किससे बात कराया जा रहा है मेरी? बी ए यू डबल ए एच ई आर ई। फोन रख एच ई एल ई लो, एच ई एल ई लो, एस ओ आर डी वाई, एस ओ आर डी वाई, एल ए डी आई ई। अच्छा मतलब ये चीज तू मानेगा नहीं ना। एच एम 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 एम। ये एच एम 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 क्या है? यार पढ़ाई का था लड़का तू। अच्छा एस ओ आर डी वाई एल ए डी आई ई एस। L I S T E N। तू लिसन तो कर ही रही हूँ मैं तेरे को। H E L L O S A L A शाया H A D A What what come again? G S A D A गजा। हाँ U L L U O H H M I G O D। तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I L O V E Y O U क्या? Oh If you are saying, क्या मतलब समझ में आया? अबे साले तूने अपनी आवाज देखी है? जाके अपनी माँ बहन को बोलो I love you। मैडम अच्छी आवाज तो है, ऐसा क्या हो गया? अब ये कौन बोला? मैम पीसीओ डब्ल्यू ए एल एल ए पीसीओ भैया। आर ए के एच डी आई वाई ए। अच्छा रख दिया। ओके राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अगर कोई स्टूडेंट है और पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनुलुलू नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं होनुलुलू। अच्छा फिर होनुलुलू में ना पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना नहीं सही, मैं वही जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है।
वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊँ। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा, यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। पक्का? भैंस दिमाग में दूध दे रही है, वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आती है, तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। बिल्कुल छू गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ अब लकड़ी चला के उस पर दूध गर्म करूंगा जो दिमाग में है। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनुलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा, वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म करूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनुलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनुलुलु जाना है ना? होनुलुलु नहीं, होनुलुलु बोल दो, पानी दे। हाँ जाना, फ्लाइट से जाना है। साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी लकड़ी लेने जाना है, दूध कदम कटनी है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस, सब शादी करनी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, शादी अंकल, एक सेकंड। हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनुलुलु बोल के बताओ। आधा कदम में पाए। हेलो, हेलो भाई साहब, एक सेकेंड, ये रॉकेट जला रहा हूँ, हवा में जाना आसमान में। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ। फोर्ट बउआ, रॉकेट चल गए। कहाँ जा रहा है रॉकेट? आसमान में जा रहा हूँ, तारे तोड़ने। तारे तोड़ रहे? हाँ, आसमान में कहाँ जाना है जल्दी बताइए रॉकेट। अब क्यों कर रहा है पागल? बताइए जल्दी, कैसे तोड़ेंगे रॉकेट से तारे? रॉकेट बुझा दीजिए, बता रहा हूँ। रॉकेट बुझाऊँ? हाँ रॉकेट बुझा दीजिए। रॉकेट अगरबत्ती थोड़ी जो कड़िया बुझ जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, बुझ गया। हाँ बोल रहे, बुझ गया। तारीख किस लिए तोड़ने जा रहे हो? हाँ, किस लिए ही तोड़, आई मीन किसके लिए ही तोड़ने जा रहा हूँ? किसके लिए? वही तो पूछ रहा हूँ, किसके लिए? अजय, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है तारे तोड़ के लाओगे तो किस दूंगी, किसके लिए? किसके लिए लेने जा रहे? हाँ जी। ओ, 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 बहुत बड़े प्रेमी हो है? ओ, बहुत बड़े प्रेमी है, प्रेम करते हैं पर प्रेम चोपड़ा नहीं बनते। अरे तुम 2 दिन मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है? क्या बताइए, तारे कहाँ मिलेंगे? तारा, तारा आसमां का है। आसमां का? हाँ। और आसमां आंटी ने तो रफीक अंकल से शादी की, दूसरी शादी कब करी? अबे आंटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, आसमां मतलब गगन, नब, समझा? समझ गया। क्या समझा? आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, गगन, नब, आकाश। हिंदी के साथ हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, सुनाए हम इंग्लिश? उठा के पटक देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं बोलिए आप, गलत बात का ताड़ा तोड़ना, मुझे तोड़ दे। तुम्हारा ताड़ा नहीं तो हम तोड़ेंगे। नहीं, वो नहीं तोड़ सकते आप। ताड़ा तोड़ के लाएंगे, रॉकेट जल रहा है। रॉकेट, रॉकेट जल रहा है, ये देख। कहाँ गया ये रॉकेट? कहाँ गया, पलट के देख, अमित कहते हैं रौनक भाई दूसरी की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बहुओं ने कैसे मस्ती ली सुनते हैं। हेलो जी, तुम शर्मा जी हो? थोड़ा थोड़ा। हेलो, फर्स्ट टाइम ना? मैं और तुम्हारा बहू और तुम इस पार्क में। पार्क में दिल कर्टन कर्टन हो क्या? मिला दिया फोन। और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना। कोई नहीं बोल गया। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ गधा फोन लगा के भूल गया। तुम्हारे उधर टप्पी उप्पी ले रहा है आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो, क्या हुआ? क्या छुपा रही हो क्या? पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, आज भी तुम्हें सब सच बता दूंगी तो बता दो। अरे बता भी दो आखिर तुम वो मीठी वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद तो हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा इधर भेज तो भाई लड़की, तेरे बस की बात नहीं। सिर्फ मैं कह नहीं हूँ वो, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम
मान क्यों नहीं गई? मैं मानने को तैयार कोई है? अच्छा कोई आवाज नहीं है, वो है तेरी कल बाशी की करी बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन तेरी कॉल कौन है? मैं तुमसे कह गया हूँ तुमसे बैठ कर शट अप, तुम्हारी जान दे शट अप, धूम 3 फुट देख सकते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए वो? Now you shut up. Hello. ये time pass है। अच्छा कोई time pass बोल रहा है? Time pass बोल रहा है? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम बार बार बोल, कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग ओके फोन कनेक्ट हुआ किसी को सुन। हेलो हाँ भाई अंकल, मैं फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर हमारे अगर रोमांस चल रहा है फोन पर काट नहीं सकते फोन। क्या तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो पार्क में बैठे हुए? कद्दू की सब्जी बन वो हमारी रोमांस का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में कर करा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है, निकल जाता है सब्जी बना ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।